एक बहुत ही बड़ा मजाक था जो बेरोजगार इंसानों के साथ हुआ। एक जो अपराध होता है किसी का मर्डर होता है, ये उससे भी बड़ा गुना मेरी नज़र में है, क्योंकि मर्डर एक इंसान का होता है, लेकिन 8 लाख युवाओं के सपनों का जो मर्डर हुआ है वो एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। सर, पेपर को देख के लग ही नहीं रहा था कि हरियाणा पुलिस का पैटर्न के हिसाब से पेपर है। मेरा मानना यह था कि ऐसा लग रहा था कि पुलिस विभाग की बजाय ये पशुपालन के किसी डॉक्टर की भर्ती की जा रही है। ये जो भी हो रहा है, नकल वगैरह ये ना हो, इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। एक भी क्वेश्चन हिंदी विषय से नहीं लिया गया, जिसको हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। दूसरा, जो नेशनल जीके था वो बिल्कुल गायब था। ये कह सकते हैं हम कि भैया कुछ भी दे सकते हैं। पशुपालन विषय के 22 से 20 क्वेश्चन डाले गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं इंडिया न्यूज़ पॉइंट के ऊपर। आज हम विशेष चर्चा के लिए जीनियस एकेडमी महेंद्रगढ़ में आए, जो काफ़ी समय से महेंद्रगढ़ शहर के अंदर विद्यार्थियों को शिक्षा देकर सरकारी नौकरियों में उनका चयन करवाती है। तो जीनियस एकेडमी के अंदर हम उपस्थित हैं, यहाँ बच्चे भी काफ़ी उपस्थित हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं अमित यादव जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे। जो विषय है हमारा बहुत ही कॉमन विषय, जो कल जो एक एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के बारे में, आज के एग्ज़ाम के बारे में, जो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, पोस्टपोन्ड हो गया या कैंसिल हो गया, उसके बारे में हम यहाँ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। तो हम जीनियस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं अमित यादव जी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो सर, हम बातचीत करने के लिए आए हैं कल के विषय के बारे में, कल जो हुआ और आज जो हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, कैंसिल हुआ पेपर, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो पेपर रद्द हुए हैं, दोनों पेपर, 7 तारीख का एग्ज़ाम था हरियाणा पुलिस का हरियाणा के अंदर, जिसमें 8 लाख युवा बैठे थे, और आज भी एग्ज़ाम था। कैंसिल होने से एग्ज़ाम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा निराशा लगी है। काफ़ी समय बाद एग्ज़ाम हुआ था, लॉकडाउन के बाद, और समय कम था, लेकिन आप मानिए बच्चों ने जी जान से मेहनत की थी। करीबन ये मानो 8-8, 10-10 घंटे बच्चों ने दिन रात पढ़ाई करके और एक उम्मीद और एक आशा लेके वो लोग एग्ज़ाम में गए थे कि आज हम क्वालिफाई करके आएंगे और सरकारी जॉब हमें मिलेगी और हमारी बेरोज़गारी जो है दूर होगी। माँ बाप को भी बहुत अपेक्षाएँ थी, खर्चा भी किया बच्चों ने, लाइब्रेरी में पढ़े हैं, कोचिंग भी बच्चों ने ली है। इसके अलावा बस का जो किराया था 400-400 रुपये, हज़ार रुपये एक बच्चे का किराया लगा है। तो मैं मानता हूँ बच्चों को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हानि हुई है। आर्थिक तो बच्चा सहन भी कर लेता है, लेकिन मानसिक तनाव बच्चों को एकदम से तोड़ देता है। उसके बावजूद भी मैं सभी जो जीनियस एकेडमी की छात्राएं हैं, इनको बधाई दूंगा कि कल इतना होने के बावजूद भी ये लोग टूटे नहीं, और आज क्योंकि इनका एग्ज़ाम गर्ल्स का 28 तारीख को है, ये बने रहे पूरे उत्साह पूरी उम्र के साथ ये संस्था में आए हैं, और संडे के दिन भी ये सैकड़ों बच्चियाँ पढ़ के जा रही हैं एक उत्साह से कि आगे सरकार और HSSC जो बोर्ड है ऐसा नहीं करेगा। तो युवाओं की उम्मीदों के साथ इनको इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और पेपर लीक नहीं होने चाहिए। कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि इनको बहुत भयंकर कड़ी सज़ा मिले। मैं तो मानता हूँ कि आजीवन कारावास तक की सज़ा देनी चाहिए जो पेपर को लीक करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इससे एक जो अपराध होता है किसी का मर्डर होता है, ये उससे भी बड़ा गुना मेरी नज़र में है, क्योंकि मर्डर एक इंसान का होता है, लेकिन 8 लाख युवाओं के सपनों का जो मर्डर हुआ है वो एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, और मैं मानता हूँ कि इसमें जांच की जाए। और HSS से ये भी हमारी प्रार्थना है और सभी युवाओं की भी ये मांग है कि सिलेबस कम से कम फिक्स किया जाए, और कुछ नहीं तो मार्क्स कम से कम फिक्स कर दें कि रीजनिंग 10 नंबर की आएगी या फिर मैथ्स 10 नंबर का आएगा, और किस स्टैंडर्ड का आएगा, किस लेवल का आएगा, ये कम से कम होना चाहिए। बाकी अभी विद्यार्थियों से आप पूछिएगा। जी, एक मिनट, एक सवाल हो रहा है मेरा, इसी सवाल में 3 सवाल आएंगे अपने आप में। एक छोटा सा सवाल तो ये कि कल क्या हुआ था एक्चुअली, पेपर लीक हुआ था या कुछ इस तरह की अलग कोई घटना थी? दूसरा ये कि सरकार से हम आगे क्या उम्मीद करें? और तीसरा ये कि जो क्वेश्चन पेपर की अभी भी आप बात कर रहे थे, तो सिलेबस में कल भी कुछ पूछा गया, तो उस विषय पर भी अपने विचार रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो भी कुछ अलग तरह का, उसमें भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चन थे। देखिए, क्वेश्चन पेपर का मापदंड तो कुछ था ही नहीं। एक भी क्वेश्चन हिंदी विषय से नहीं लिया गया, जिसको हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। दूसरा, जो नेशनल जीके था वो बिल्कुल गायब था। ये कह सकते हैं हम कि भैया कुछ भी दे सकते हैं। कृषि पशुपालन एक विषय है जिसमें हमेशा 1 से 2% HSSC पूछती है। पशुपालन विषय के 22 से 20 क्वेश्चन डाले गए। मेरा मानना यह था कि ऐसा लग रहा था कि पुलिस विभाग की बजाय ये पशुपालन के किसी डॉक्टर की भर्ती की जा रही है, जिसमें पशुओं से, रोगों से संबंधित और पशुओं से संबंधित इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे हम उम्मीद करते हैं कि HSSC माननीय हमारे चेयरमैन
श्री भोपाल जी खदरी से हम ये अनुरोध करते हैं कि पेपर का मापदंड तय किया जाए। एक अच्छा, देखो पहले जो परीक्षाएं थी इससे पहले वो बहुत अच्छी परीक्षाएं थी और एक अच्छा स्टैंडर्ड मापदंड था, तो मापदंड बनाया जाए, सिलेबस निर्धारित किया जाए ताकि युवाओं को निराशा ना हो और उन सबको जोड़ के रखो, क्योंकि भारत की युवा शक्ति है और ये बहुत मेहनत और परिश्रम करती है। इलाके के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को झटका ना दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जीनियस एकेडमी के डायरेक्टर अमित यादव जी हमारे साथ थे और अभी बच्चे भी यहीं पर उपस्थित हैं, तो आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया होगा, देने गए होंगे, या जिनका पेपर आज, अच्छा बॉयज़ का था, तो आप लोगों में से किसी का पेपर की जो तैयारी चल रही है आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो कल पेपर लीक हुआ उसके बारे में? हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो और सरकार को जो भी बंदे मिले, जो कोई भी ये पेपर कैंसिल करता है उसको सख्त से सख्त दंड दिया जाए। सर पेपर को देख के लग ही नहीं रहा था कि हरियाणा पुलिस का पैटर्न के हिसाब से पेपर है, इसलिए पैटर्न को फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग पेपर करवाया जाए ताकि किसी भी बच्चे को आगे परेशानी ना हो। जी बहुत अच्छी बात है। और कुछ किसी को बोलना हो बच्चों को? परीक्षा का सिलेबस निर्धारित करें कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर के आएंगे और ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करें। अब हमें यही नहीं पता कि हमारे सिलेबस में आएगा क्या आएगा और क्या नहीं, क्या हम पढ़ के जाएं क्या नहीं पढ़ के जाएं, जो पढ़ के जा रहे वो आ नहीं रहे और जो नहीं पढ़े वो आए हुए हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि माननीय सर से कि हमारा सिलेबस निर्धारित कर दे कि ये टॉपिक आएंगे, ये सब चैप्टर आएंगे, ये पढ़ना है हमें, और ये जो भी हो रहा है नकल वगैरह ये ना हो, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आज हम जीनियस एकेडमी में थे, जीनियस एकेडमी में जो हमने जो बातचीत करी है वो बच्चों से भी करी हैं, डायरेक्टर सर से भी करी हैं। यहाँ पर जो देखने सुनने में आया है वो यही है कि जो HSSC का जो ये फैसला था एग्ज़ाम कराने का बहुत अच्छा था, पीछे के जो मापदंड थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस समय ऐसा क्या हो गया एकदम से कि मापदंड जो एग्ज़ाम्स के थे वो भी कमज़ोर रहे, क्वेश्चन पेपर भी कहीं ना कहीं पशुओं से संबंधित ज़्यादा रहा, या फिर कह सकते हैं हिंदी भाषा से भी कोई सवाल नहीं लिया गया, और साथ में विशेष तौर पर एग्ज़ाम जो है लीक होने की वजह से कैंसिल भी हो गया, और दोनों ही एग्ज़ाम जो सैटरडे और संडे दोनों दिन होने थे वो कैंसिल हो गया। तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, ऐसे सभी की आशाएं टूटती हैं, और जो ये एक बहुत ही बड़ा मजाक था जो बेरोजगार इंसानों के साथ हुआ, ऐसा करना बहुत गलत है। यही मेरी सरकार से यही अपील है कि पेपर जैसे भी हो, मतलब एक तो प्रॉपर टाइम दें, 3 महीने, कम से कम 3 महीने तैयारी के लिए मिलने चाहिए, और मतलब ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए जो भी हुआ। तो सभी स्टूडेंट्स और सभी जो टीचर्स की अगर हम बातचीत करें, जो भी अन्य संस्थानों में, यहाँ शिक्षण संस्थान में, कहीं पर भी तैयारी करवाते हैं, सभी परेशान हैं बेरोज़गारी को लेकर। जो युवा साथी हैं वो काफ़ी खासा परेशान हैं। लॉकडाउन, जैसा कि सर ने बताया कि लॉकडाउन के बहुत काफ़ी समय पश्चात यहाँ पर एक एग्ज़ाम हुआ था और वो भी कैंसिल हो गया। तो सरकार को इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट ये कोशिश करता रहेगा कि किस प्रकार से इस इलाके की युवाओं की और सभी लोगों की आवाज़ें सरकार तक पहुँचाई जा सकती हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।